गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ईबीएस क्लास फोर्थ लेसन 9. लेसन नेम इज पब्लिक प्रॉपर्टी. इट मीन्स पब्लिक संपत्ति. विनोद एंड हिज क्लासमेट्स. विनोद और उसके सहपाठी वेंट फॉर अ पिकनिक. पिकनिक के लिए गए टू गांधी पार्क. गांधी पार्क में दे हैड अ गुड टाइम. उनके पास अच्छा समय था. प्लेइंग गेम एंड ईटिंग डिलीशियस फूड. गेम खेलने का और अच्छा भोजन खाने का उनके पास अच्छा समय था. आफ्टर ए टायरिंग डे. पूरे दिन थकने के बाद दे आर लाइंड अप टू गेट इन टू द बस. वो लोग लाइन में होकर बस पर चढ़ने लगे. देयर टीचर लुक्ड अराउंड एंड वॉज शॉक्ड. उनके टीचर चारों तरफ देखे और शॉक्ड रह गए. द पार्क वॉज लिटरेड ऑल ओवर विथ लेफ्ट ओवर फूड एंड एम्प्टी फूड पैकेट्स. वहाँ पर बिखरा हुआ था, छुटा हुआ था, लेफ्ट ओवर हुआ था फूड और फूड के खाली पैकेट. उनके टीचर ये देखे तो शॉक्ड रह गए क्योंकि पार्क में बिखरा हुआ उनके भोजन बिखरा हुआ था और खाली भोजन के पैकेट भी बिखरे हुए थे. सी आस्क्ड. उसने कहा द चिल्ड्रन गो टू बैग. बच्चे वापस जाओ एंड क्लीन द एरिया. और इस एरिया को साफ करो. द चिल्ड्रन ग्रैम्बल्ड. बच्चों ने अपने आप में शिकायत की. बट डिड व्हाट दे वर टोल्ड. लेकिन वे कुछ कहे नहीं. द चिल्ड्रन ग्रैम्बल्ड बट डिड नॉट दे वर टोल्ड. बच्चे आपस में शिकायत तो किए लेकिन टीचर से कुछ बोले नहीं. इन द बस देयर टीचर आस्क देम. बस में उनके टीचर ने उनसे पूछा या टीचर ने बच्चों से पूछा हाउ वुड यू फील. आप कैसा महसूस करेंगे इफ समवन कम एंड मेड योर हाउस डर्टी. यदि कोई आकर तुम्हारे घर को गंदा करे तो आप कैसा फील करेंगे. टीचर ने ऐसा बच्चों से पूछा. वेरी बैड सेड एनी एवरी वन. सभी ने कहा बहुत गंदा लगेगा. सभी ने एक साथ कहा कि बहुत गंदा लगेगा. वाई आस्क द टीचर. टीचर ने पूछा क्यों. बिकॉज सेड विनोद. विनोद ने कहा क्योंकि इट इज माई हाउस. यह मेरा घर है. एंड आई विल नॉट अलाउ एनी वन टू डर्टी इट. मैं इसे किसी को अलाउ नहीं करूँगा गंदा करने के लिए. विनोद ने कहा यह मेरा घर है और मैं किसी को यह अपना घर गंदा करने के लिए अलाउ नहीं करूँगा. द टीचर स्माइल्ड. टीचर हंसी एंड सेड इट इज पब्लिक प्रॉपर्टी. टीचर हंसी और कहा कि यह पब्लिक प्रॉपर्टी है. यू सी इट इज एवरी वंस प्रॉपर्टी. आप देखोगे यह प्रत्येक की प्रॉपर्टी है. एंड वी शुड लुक आफ्टर इट. और हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए. स्कूल पार्क रोड्स लेटर्स बॉक्सेस बसेस ट्रेन्स एंड स्ट्रीट लैंप्स इटीसी. ये सब क्या है. ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है. डू नॉट बिलोंग टू एनी वन पर्सन. यह किसी एक सदस्य से रिश्ता नहीं रखता है या एक सदस्य से बिलोंग नहीं करता है. दे आर यूज बाई. यह उपयोग किए जाते हैं. ऑल ऑफ अस. हम सभी के द्वारा ये उपयोग किए जाते हैं. देयर फॉर. इसलिए. दे आर कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. इसीलिए इसे पब्लिक प्रॉपर्टी कही जाती है. सार्वजनिक संपत्ति. पब्लिक प्रॉपर्टी का अर्थ होता है सार्वजनिक संपत्ति. नाउ डू यू अंडरस्टैंड. अब आप समझ गए होंगे. अब आप समझ गए व्हाई आई आस्क यू टू क्लीन अप द पार्क. मैंने आपसे पार्क को साफ करने के लिए क्यों कहा. टीचर ने ऐसा पूछा कि आप समझ गए होंगे कि मैंने आप लोगों को पार्क को साफ करने के लिए क्यों कहा. द चिल्ड्रेन नॉडेड. बच्चों ने सिर हिलाया. विनोद स्पोक. विनोद बोला नाउ आई रियलाइज. अब मैं महसूस करता हूँ दैट पब्लिक प्रॉपर्टी इज माई
प्रॉपर्टी, यह पब्लिक प्रॉपर्टी जो है यह मेरी प्रॉपर्टी। अब इस बात को मैं महसूस कर रहा हूँ कि यह पब्लिक प्रॉपर्टी जो है मेरी प्रॉपर्टी है। बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ मैम, हु मेंटेन्स दिस पब्लिक प्लेसेस। मैम आप मुझे बताइए कि यह पब्लिक प्लेस को कौन बनाए रखता है या कौन मेंटेन करता है। विच मीन्स जो जानिए या इसका मतलब, विच मीन्स जिसका मतलब, सेड अनीता। अनीता ने कहा, आवर पेरेंट्स मनी इज यूज टू मेंटेन पब्लिक प्रॉपर्टी। हमारे पेरेंट्स का या हमारे अभिभावक का पैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में लगता है। यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, सेड द टीचर। टीचर ने कहा, द स्कूल इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। स्कूल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है पब्लिक प्रॉपर्टी होने का। पब्लिक प्रॉपर्टी है यह स्कूल, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। एंड द फीस योर पेरेंट्स पे इज यूज टू मेंटेन। जो आपके गार्जियन या आपके माता पिता जो फीस देते हैं, इसी से यह इसका वो होता है, इसको मेंटेन बनाया जाता है, इसको मेंटेन किया जाता है। जो फीस आपके पेरेंट्स देते हैं, इसी से इस विद्यालय को मेंटेन रखा जाता है। पब्लिक प्रॉपर्टी इन ए स्कूल, पब्लिक प्रॉपर्टी इन ए स्कूल हेडिंग है आपका, पब्लिक प्रॉपर्टी स्कूल में। ए स्कूल हैज मेनी क्लासरूम्स, एक स्कूल के पास बहुत सारे क्लासरूम होते हैं। देयर आर चेयर्स, टेबल्स, ब्लैक बोर्ड एंड फैंस इन अ क्लासरूम। एक क्लासरूम में चेयर होता है, टेबल होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, फैन होता है। दे आर यूज बाई द टीचर एंड चिल्ड्रन, इसका उपयोग टीचर और बच्चों के द्वारा होता है। देयर इज ए प्ले ग्राउंड इन एवरी स्कूल, प्रत्येक स्कूल में प्ले ग्राउंड होता है, खेलने का मैदान होता है। द प्ले ग्राउंड हैज सीन सा स्लाइड्स एंड स्विंग्स, प्ले ग्राउंड में क्या देखा जाता है, स्लाइड्स और स्विंग्स, एक खिसकने वाला होता है, ये झूला होता है, यह अक्सर प्ले ग्राउंड में देखा जाता है। दिस आर यूज्ड बाई ऑल द चिल्ड्रन, ये इसका यूज बच्चों के द्वारा होता है, ये बच्चे तो इसमें जो खेलते हैं और स्लाइड करते हैं। दिस आर पब्लिक प्रॉपर्टी, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, सेड नेहा। नेहा ने कहा, वी शुड नॉट डैमेज, हमें नहीं डैमेज करना चाहिए या नहीं नुकसान पहुंचाना चाहिए। चेयर्स, टेबल्स, डोर्स एंड विंडोज ऑफ आवर क्लासरूम्स, अपने क्लासरूम्स रूम के विंडोज को, खिड़कियां जिसे कहते हैं, डोर, दरवाजे, टेबल और चेयर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अमित ज्वाइंड हिम एंड सेड, अमित ने अपने बातों को जोड़ते हुए कहा, वी शुड नॉट डर्टी द वॉल्स ऑफ आवर क्लासरूम, हमें अपने क्लासरूम के वॉल को, दीवार को डर्टी नहीं करना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए। वी शुड स्टॉप अदर चिल्ड्रन फ्रॉम डर्टिंग द वॉल्स, अगर कोई बच्चा वॉल, दीवार को गंदा कर रहा है तो हमें रोकना चाहिए, सभी बच्चों को हमें रोकना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी ऑन रोड, रोड पर पब्लिक प्रॉपर्टी। नीलम हैड बीन लिसनिंग क्वाइटली, नीलम जो थी वह सुन रही थी शांति से। सी नाउ गॉट अप एंड सेड, वह उठी और बोली, मेनी चिल्ड्रन ट्रेवल टू स्कूल बाई बस, बहुत से बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। अदर पीपुल आल्सो ट्रेवल विद इन अ सिटी बाई द बसेस ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अदर पीपुल, और लोग शहरों में यात्रा करते हैं बसों से या ट्रांसपोर्ट पद्धति के द्वारा, ट्रांसपोर्ट या यातायात पद्धति के द्वारा भी करते हैं। बहुत से लोग शहरों में जो यात्रा करते हैं बस से या यातायात पद्धति के द्वारा भी करते हैं, तो वही तो हुआ, बस ट्रेन जिससे भी आप कर रहे हैं तो यातायात पद्धति तो हुआ, उससे भी लोग यातायात प्रणाली भी हुआ, तो इससे भी लोग शहरों में यात्रा करते हैं। दस
दस इस प्रकार बसेस एंड लोकल ट्रेन्स, बस और लोकल ट्रेन आर ए पार्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, ये पब्लिक प्रॉपर्टी का पार्ट है, एक भाग है। सम पीपुल डैमेज द सीट्स ऑफ बसेस बाय टीयरिंग देयर कवर, कुछ लोग डैमेज करते हैं सीट बस के सीट को, टीयरिंग देयर कवर उनके कवर को फाड़ कर, कुछ लोग जो होते हैं जो बस के सीट को फाड़ कर उसको डैमेज करते हैं। दिस इज नॉट गुड थिंग्स, यह अच्छी बात नहीं है। वी शुड नॉट डू दिस, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। संगीता हैड सीन टू बॉयज, संगीता जो थी उसने देखा था दो बच्चों को ब्रेकिंग स्ट्रीट लाइट्स, जिसने स्ट्रीट लाइट को तोड़ा था, जैसे ये गलियां होती हैं या पतली सड़कें होती हैं, यहाँ पर जो लाइट होती है उसी को स्ट्रीट लाइट कहते हैं। तो संगीता ने दो बच्चों को स्ट्रीट लाइट को तोड़ते हुए देखा था, स्टर्डे कल, स्टर्डे मीन्स बीता हुआ कल, बीते हुए कल में संगीता ने दो बच्चों को स्ट्रीट लाइट को तोड़ते हुए देखा था। सो सी कुड नॉट कीप क्वाइट, इसलिए वह शांत नहीं रह सकी। देयर आर मैनी स्ट्रीट लाइट्स, यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट लाइट हैं। अलॉन्ग विद द साइड ऑफ रोड, रोड के बगल में बहुत सारे स्ट्रीट लाइट्स होते हैं। सम चिल्ड्रन थ्रो पेबल्स, कुछ बच्चे उन पर कंकड़ फेंकते हैं, एट देम कंकड़ फेंकते हैं इन पर, एंड ब्रेक देम और उनको तोड़ते हैं। स्ट्रीट लाइट आर आल्सो पब्लिक प्रॉपर्टी, स्ट्रीट लाइट भी आपकी क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। दे लाइट अप आवर सिटी एट नाइट, दे लाइट अप आवर सिटी एट नाइट, ये रातों को हमारे शहरों को रोशन करते हैं। सो वी शुड नॉट डैमेज देम, इसलिए हमें इन्हें डैमेज नहीं करना चाहिए, इन्हें क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। ए स्कूल बस, स्ट्रीट लाइट्स एंड रोड्स आर पब्लिक प्रॉपर्टी, स्कूल बस और स्ट्रीट लाइट और रोड जो है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक संपत्ति है। सम पीपुल डैमेज आर, कुछ लोग नुकसान पहुंचाते हैं या डर्टी रोड्स बाय डिगिंग, खोद कर रोड को गंदा करते हैं। देम आर थ्रोविंग गार्बेज ऑन देम, या तो कुछ लोग इस तरह से डैमेज करते हैं जैसे रोड को खोद करके डैमेज करते हैं, उसको गंदा करते हैं, या कुछ लोग उन पे गार्बेज फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, इस तरह से भी रोड को ये लोग क्षति पहुंचाते हैं। दिस शुड नॉट बी डन, यह अच्छी बातें नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देयर आर प्लांट्स अलॉन्ग द रोड साइड विच मेक देम लुक ब्यूटीफुल, पौधे आप देखे होंगे रोड के बगल बगल में लगे होते हैं, यह इनकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, दिखने में ये सुंदर लगते हैं। रोड के साइड में जो बगल में प्लांट लगे रहते हैं यह बहुत ही सुंदर दिखते हैं। सो वी शुड नाइदर डैमेज प्लांट आर रोड नार रोड, रोड पर के जो प्लांट होते हैं उन्हें हमें डैमेज नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। सेट प्रिया ने कहा, हु वाज ट्रीज, जो सताई गई थी बाय हर क्लास, अपने क्लास के द्वारा। एज ए क्लीनेस एक्सपर्ट, क्लीनेस सफाई विशेषज्ञ, एंड निक नेम मिस क्लीन एंड ग्रीन, जिसका निक नेम उपनाम था मिस क्लीन एंड ग्रीन। प्रिया ने कहा जो अपने क्लास के द्वारा सताई गई थी उसने, वह सफाई एक्सपर्ट थी और वह उसका निकनेम था मिस क्लीन एंड ग्रीन। पब्लिक प्रॉपर्टी इन ए पार्क, पार्क में पब्लिक प्रॉपर्टी। यू मस्ट हैव विजिट द पार्क इन योर नेबरहुड्स, आप अपने पड़ोस के पार्क को जरूर देखा होगा। देयर आर फ्लावर्स, वहाँ पर फूल होते हैं, फाउंटेन्स फव्वारे होते हैं, बेंचेस एंड प्लांट्स इन अ पार्क, पार्क में फ्लावर्स फाउंटेन बेंचेस एंड प्लांट्स होते हैं। मैनी पीपल गो टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक, बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाते हैं, इसे सुबह का सैर भी कहते हैं मॉर्निंग वॉक। दिस रिफ्रेश देयर माइंड देयर बॉडी एंड माइंड,
इनके इनके दिमाग और शरीर को ये तरोताजा करता है। जो ये मॉर्निंग वॉक को जाते हैं तो ये जाना इनके शरीर और माइंड को तरोताजा करता है। इन द इवनिंग चिल्ड्रेन गो देयर टू प्ले, शाम को बच्चे वहाँ खेलने जाते हैं। सम टाइम, कुछ समय में चिल्ड्रन प्लग फ्लावर एंड डैमेज प्लांट, कुछ समय के बाद बच्चे फूलों को तोड़ते हैं और पौधों को क्षति पहुँचाते हैं, डैमेज करते हैं, नुकसान करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। दिस इज बैड हैबिट, यह बुरी आदत है। वी शुड नॉट डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी इन ए पार्क, पार्क में पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें डैमेज नहीं करना चाहिए। मोनूमेंट्स, इसका मतलब होता है स्मारक, मोनूमेंट को, मोनूमेंट्स मतलब स्मारते, स्पीयस लगा है स्मारते। रीना हैड रिसेंटली गॉन टू द रेड फोर्ट, रीना हाल में ही रेड फोर्ट में गई थी। एंड हैज सीन इट बैड कंडीशन, और उसने ये स्मारक के बैड कंडीशन को देखा, इस बैड स्थिति, बुरी स्थिति को देखा। सी सेड उसने कहा, वी मस्ट लुक आफ्टर आवर मोनूमेंट्स, हमें अवश्य अपने स्मारकों की देखभाल करनी चाहिए। मोनूमेंट्स आर पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, मोनूमेंट्स क्या है, हमारे विरासत का पार्ट है। यह कुछ हमारे विरासत के पार्ट है, मोनूमेंट्स स्मारक जो होते हैं ये हमारे विरासत के पार्ट होते हैं। पीपुल डिफेस देम, लोग उसको नुकसान पहुंचाते हैं या उनको खराब करते हैं। बाय राइटिंग देयर नेम्स, अपने नाम लिखने के द्वारा, अपना नाम लिखकर उसको खराब करते हैं। ऑन द वॉल, वॉल पर, दीवार पर ये क्या करते हैं, नाम लिख करके उसको बुरा बनाते हैं, उस दीवार को भद्दा बनाते हैं। दिस स्पॉइल्स द मोनूमेंट्स, जो लूट, युद्ध में जो लूटा जाता है इससे इससे स्मारक जो है, दिस स्पॉइल द मोनूमेंट्स, युद्ध में जो लूटा जाता है इससे स्मारक क्या होता है, रॉन्ग, स्मारक को लूटना जो होता है यह गलत होता है। इससे युद्ध में पहले क्या होता था, मोनूमेंट्स को लूट लिया जाता था, स्मारक को मतलब तोड़ दिया जाता था, नुकसान किया जाता था। इस तरह से स्पॉइल्स नहीं करना चाहिए, स्पॉइल्स में बिगाड़ देना, खराब कर देना, तो जो इस तरह से होता था ये सब गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आपने पूरा लेसन पढ़ा, आई होप ये लेसन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आपको इस समय वर्कशीट भी बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, पब्लिक प्रॉपर्टी इज यूजफुल फॉर, ऑप्शन ए सम पीपुल, ऑप्शन बी रिच पीपुल, ऑप्शन सी ऑल ऑफ अस। तो पब्लिक प्रॉपर्टी आपको करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, ऑल ऑफ अस, ये सबके यूज का होता है, तो ये आपका सी करेक्ट है, आपने सी पर राइट का इस तरह से चिन्ह लगा देंगे। नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी रोड, ऑप्शन सी मोटरसाइकिल। तो पब्लिक प्रॉपर्टी आपकी क्या है, रोड, तो रोड पे आपने टिक लगा दिया। नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी चैनल। इसमें इस पब्लिक प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, होम, आपने होम पे ट्रिक लगा दिया। क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरिए। नंबर वन, मेनी चिल्ड्रन, आपने क्या फिल किया, ट्रेवल टू स्कूल बाय बस, मेनी चिल्ड्रन ट्रेवल टू स्कूल बाय बस, आपने क्या फील किया, ट्रेवल टू स्कूल, इस तरह से आप बुक को फील करेंगे। नंबर टू, ए स्कूल बस इज, क्या है स्कूल बस, पब्लिक प्रॉपर्टी, आपने क्या फील किया, पब्लिक प्रॉपर्टी। नंबर थ्री, रोड इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, रोड भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। नंबर फोर, स्ट्रीट लाइट इज अ
पब्लिक प्रॉपर्टी, यहाँ भी आपने पब्लिक प्रॉपर्टी फिल किया। नंबर 5, मैनी पीपुल गो टू पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक, बहुत से लोग पार्क में क्यों जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो आपने इस तरह से फिल किया, इस तरह से आप देख लीजिए, फिल कर लीजिए, और ये क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको हमने लिख के आपको लिख के भेज देंगे। इस तरह से आप इसको याद करेंगे, और आई होप ये वर्कशीट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो पढ़ाया हमने वो भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम इसको रख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।